दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के यूपीआई ट्रांजैक्शन एरर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको वो एरर दिखा देता हूं, उसके बाद हम उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे। जब हम अदर पेमेंट्स ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक एरर शो होता है, योर पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम और ट्राई विथ अनदर अकाउंट। या फिर जब हम एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है और एक एरर आ जाता है, ट्रांजैक्शन आर करंटली रिस्ट्रिक्ट ऑन दिस अकाउंट, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू ए कैश विड्रॉवल एट वन ऑफ आवर बैंकिंग पॉइंट्स टू रिज्यूम सर्विस। इस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने देखिए मुझे क्या कहा। यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे ये बता रहे हो आप? जी मैम। क्या इश्यू आ रहा है, क्या एरर क्या आ रहा है? एरर ये आ रहा है, ट्रांजैक्शन आर करंटली रिस्ट्रिक्ट दिस अकाउंट, रिक्वेस्ट यू टू क्लोज डू ए कैश विड्रॉवल एट वन ऑफ बैंकिंग पॉइंट्स टू रिज्यूम सर्विस। ठीक है सर, आपको जो और सुविधा इसके लिए क्षमा चाहता है सर, निश्चित रहे सर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जी जानकारी प्राप्त करके बताया था सर, लाइन पे बने रहिएगा। बताना चाहूंगी कि आपके अकाउंट से अभी सारे ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं सर, तो आपको एक कैश विड्रॉल करना है आपके नजदीक के बैंकिंग पॉइंट पे जाके सर, उसके बाद सर टू वर्किंग डेज का वेट करना है सर, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी आपका खाता, आप अपने खाते से वापस ट्रांजेक्शन कर पाओगे सर। कैश विड्रॉल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें? जी हो जाएगा सर। क्या आपको पता है आपके नजदीक के बैंकिंग पॉइंट रिटेलर पॉइंट सर? हाँ पता है। और टू वर्किंग डेज में सर मैं आपको बताना चाहूंगी, टू वर्किंग डेज में सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे और संडे और बैंक हॉलीडेज इंक्लूड नहीं किए जाते सर। जी तो कैश विड्रॉल मिनिमम कितना निकालना है कोई भी छोटी अमाउंट निकाल लेना 100-200 रुपए की। तो जैसा कि देखा अपने कस्टमर द्वारा बताया गया कि जो मेरा अकाउंट है उसके ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, अगर उन रिस्ट्रिक्ट को हटाना है तो आपको नियर बाई एयरटेल बैंकिंग पॉइंट पे जाकर कैश विड्रॉ करना है, वो भी आधार कार्ड के थ्रू। तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं नियर बाई अपने बैंकिंग पॉइंट पे गया एयरटेल के और कैश विड्रॉ किया, जितना भी मेरा अमाउंट फंसा था वो सारा विड्रॉ हो गया। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अपने नियर बाई एयरटेल बैंकिंग पॉइंट पर जाना है और अपने आधार कार्ड के थ्रू फिंगरप्रिंट से अपने सारे कैश विड्रॉ कर लेना है, उसके बाद टू वर्किंग डेज में भी आपका जो रिस्ट्रिक्ट आपके ट्रांजेक्शन पर लगा है वो भी हट जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।